अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ सैंडविच, जो बहुत स्पेशल किस्म का है। ये देखिए, जिसके लिए मुझे चाहिए कुछ बंद गोभी है, बारीक बारीक मैंने काट ली है, और ये गाजर है कुछ, और कुछ हरा प्याज है, और ये शिमला मिर्च है, और एक अदर टमाटर है, कुछ ये मज़ेदार चीज़ है, दो अंडे, दो अदर रोटी के पीस। और सबसे पहले थोड़ा सा घी डाल लो, घी वाटर कुछ भी आप डालना चाहते हो डाल लें। और हमने ये सब्जी हल्की सी ना बस भून के हल्की कुकी, थोड़ा सा इनका कच्चापन जो है ना वो ख़त्म हो जाएगा। इस तरीके से आपने 2 से 3 मिनट तक इनको ऐसे ही भून लेना इनमें, और साथ ही आपने थोड़ा सा नमक भी ऐड कर लेना, और थोड़ी सी काली मिर्च भी डाल लें आप इसके साथ। इस तरीके से थोड़ी सी आपके इनका जो कच्चापन है ना वो खत्म हो जाएगा। चलिए जी, बस ये चूल्हा मैंने कर दिया बंद। चलिए जी, इसके अंदर 2 अंडे, अब ये सारी सब्जियाँ जो मैंने भुनी है ये इसमें डाल दूंगी मैं। अब ये जो टमाटर मैंने काट के रखा था वो भी इसमें ऐड कर दूंगी। ये बहुत मज़े का बनने जा रहा है, आप जरूर ट्राई कीजिएगा इस तरह। चलो जी, रोटी के लिए प्लीज। अब इसको इस तरह से जो है ना जो बीच वाला हिस्सा है ना वो निकाल लेना आपने। ये देखें, इस तरह से ये मैंने ये पीस निकाल लिया। अब मैं थोड़ा सा मैंने घी लगा लिया इसमें, अब मैं ये पीस रख लूँगी इसमें इस तरीके से, और चूल्हा हल्का ही रखें आप। और इस तरीके से आपने इसको ऐसे फैला देना है इसमें, साथ ही आपने इस पर चीज़ भी ऐड कर देनी है इस तरीके से। देखिए, अब इसमें से जो हमने पीस निकाला था वो इसके ऊपर रख देंगे इस तरीके से। चलिए, इसको आहिस्ता आहिस्ता इसमें दबा देंगे, इसमें फिट हो जाइए। चलिए, और चूल्हा भी आपने को हल्का सा रखना नीचे से तो जल ना जाए। चलिए, कुछ देर वेट करते हैं इसका। अब इस साइड में इसके लिए थोड़ा सा घी लगा लेती हूँ। देखिए इस तरीके से ये इसकी मैं साइड चेंज करने लगी हूँ, तो हल्का सा मैं जब भी लगा दूँगी इसको। चलो जी,
ये देखिए इस तरीके से। अब दूसरी साइड पे भी थोड़ा पक जाएगा। इस तरीके से निकाल का घी या बटर ऑयल आप कुछ भी लगाना चाहते हैं तो लगा दें, क्योंकि मेरे बच्चे बटर नहीं खाते इसलिए मैं घी का इस्तेमाल कर रही हूँ। चलिए जी ये देखें ये तैयार है। इस तरीके से हम ये निकाल लेते हैं। ये आप दूसरा भी वैसे तरीके से ऐसे बनाती हूँ। ये देखें दो मैंने इधर बना लिए और ये भी बन चुका है। देखिए इस तरीके से मैंने साइड पर दे दी है। अब मैं इसको भी निकालने लगी हूँ। ये देखिए ओके ये भी तैयार है। ये देखिए सैंडविच तैयार हो चुके हैं। अगर आपको अच्छे लगे तो आप ट्राई भी ज़रूर कीजिएगा और लाइक शेयर कीजिएगा सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।